नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको मैं समूह बनाने के बारे में कुछ जरूरी नियम और शर्तें बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप स्वयं सहायता समूह बनाने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं या फिर स्वयं सहायता समूह बनाने वाले हैं तो आपको उसके नियम और कायदे जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। दोस्तों बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों समूह बनाने के लिए सभी सदस्य अलग अलग परिवार से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य को आप अपने स्वयं सहायता समूह में अंकित कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समूह आपका निरस्त हो जाता है। दोस्तों नंबर 1, सभी सदस्य अलग अलग परिवार से हों। नंबर 2, सभी सदस्य गरीब व अति गरीब परिवार से हों। अगर आप अमीर हैं, अगर आपके पास जमीन जायदाद और कोई नौकरी है तो आप स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ सकते हैं। नंबर 3, उम्र में समानता हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 20 साल है और आपके समूह सदस्य में किसी सदस्य की उम्र 60 साल है। दोस्तों वहां पर आपके लिए थोड़ी सी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने में कई बार दरारें पड़ जाती हैं। कई बार आप मान लीजिए उनसे बचत खाता का पैसा लेना है तो कई बार आप खुद शर्माते हैं या कई बार आप अच्छी खासी उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीदन दोस्तों आजकल जो भी जितने भी स्वयं सहायता समूह काफ़ी अच्छे तरीके से संचालित हो रहे हैं उसमें हम उम्र यानी एक ही उम्र के आसपास के लोग उस स्वयं सहायता समूह में हैं तो वो स्वयं सहायता समूह काफ़ी अच्छे से चलता है। नंबर 4, सभी सदस्य एक ही टोले यानी एक ही मोहल्ले के हों। सभी सदस्य एक ही गांव के हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साप्ताहिक मीटिंग और मासिक मीटिंग जो की जाती है उसमें कई सारी चीज़ें बड़े आसानी से डिस्कस हो जाती हैं। नंबर 5, सास बहू या देवरान जेठान अलग अलग समूह में हो सकती हैं, एक ही समूह में नहीं रह सकती हैं। यानी अगर आपका रिश्तेदारी भी एक गांव से दूसरे गांव में है तो आप अपने रिश्तेदारों को उस समूह में नहीं रख सकते। जैसे अभी हाल फिलहाल में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए जो शासनादेश जारी हुआ उसमें ग्राम प्रधान के भाई भतीजावाद और भी कई सारी चीज़ों को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कहीं से भी कोई लिंक या रिलेशन या संबंध नज़र आता है तो वहीं पर उनकी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी बात को जानते हुए अगर आप स्वयं सहायता समूह का गठन कर रहे हैं तो इन नियम और कायदों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आपका स्वयं सहायता समूह 3 साल तक चल जाए और आने वाले समय में आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ ना मिल पाएँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह के नियम और कायदे बड़े डिटेल में बताए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आगे देखते हैं, समूह के बैठक साप्ताहिक होनी चाहिए और पैसे समय पर जमा होने चाहिए। समय और स्थान समूह के द्वारा निर्धारित किया जाए ताकि सभी समूह के सदस्यों को वहां तक जाने में बड़ा आसानी हो, नहीं तो आगे समूह नहीं चल पाता है। समूह की और भी बचत को लेकर जिसमें कम से कम 10 रुपये प्रत्येक सदस्य द्वारा समान रूप से एक सप्ताह में जमा किया जाता है, इस लय को बनाए रखना चाहिए। अगर आप 10 रुपये से ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा, अगर उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो यकीनन सरकार से आप जहाँ आप 1000 रुपये कमा वहीं पर आप लाखों रुपए बड़े आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, समूह में सदस्य ससुराल पक्ष से नहीं होने चाहिए। समूह में सदस्य ससुराल पक्ष से नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी आपका संबंध किसी भी सदस्य से नहीं होने चाहिए। दोस्तों जो भी समूह सदस्य बनेंगे उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सदस्य का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि पर पता उसी ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है जहां समूह का गठन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे। इस वीडियो में जो भी मैं स्वयं सहायता समूह के गठन को लेकर नियम और शर्तें बताया हूँ ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मिला है, और मैं कई स्वयं सहायता समूह से बातचीत भी करके
के इन सभी शर्तों को निकाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा अगर आप स्वयं सहायता समूह का गठन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अपने इस चैनल पर स्वयं सहायता समूह को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आता रहता हूँ किस तरीके से आप सरकार से लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद।